Hello everyone, in this video we are going to study sonometer and beats. मतलब ये जो vibrating strings वाले sound अपने previous video में देखे हैं और उसके पहले अपने beats के जो sound देखे हैं उसके combination वाले sounds आते हैं. Exam point of view, this sounds are important from the chapter stationary views. Okay, तो beats के concept पे vibrating string के sound solve करने हैं. अभी vibrating string मतलब अपने explain भी किया sonometer, तो sonometer के ऊपर sound solve करने. Okay, if you have not gone through my earlier video, so please see that so that you will mug up all formulae, all theory, and then you can start with this. Before that, fundamental frequency ka formula, n is equal to 1 upon 2l root of t by m. ठीक है? ये l जो है वो length है, small m linear density है, capital T tension है. Fundamental frequency ka formula. N is inversely proportional to L, ये law of length है. If T and M is constant, N is directly proportional to root of T, ये law of tension है. If L and M is constant, and N is inversely proportional to root of M, this is law of mass. As such sums नहीं आते इसके ऊपर, तो law of length और law of tension, ये दो sums पे अपन sum solve करेंगे. Concept beats का रहेगा and vibrating string. ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया इसको सोनोमीटर एंड बीट्स. लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट सम देखो, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो क्योंकि थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, ये चीज से फॉर्मूला लगाने से सम सॉल्व नहीं होने वाला है, तो थोड़ा समझना भी जरूरी है. स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क. मतलब सोनोमीटर वायर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसन में, यूनिसन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस भी बोल सकते हो. When a length is increased by 4%, the number of beats heard per second is 6. Find the frequency of the fork. ठीक है, तो पहला वायर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसन में, ये पहली कंडीशन है. फिर उसने वायर बढ़ा दी, उसकी लेंथ 4% से बढ़ाई. लेंथ 4% से बढ़ाने से बीट्स कितने प्रोड्यूस होने लगे? 6. तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं. लेट L1 बी द इनिशियल लेंथ, राइट, and N1 be its corresponding frequency. ये पहला हो गया. अभी let us consider capital N, frequency of fork, tuning fork का frequency, और दोनों unison में, तो N is equal to N1. I call this equation number 1. तो मैंने पहला line को explain कर दिया. पहला line क्या था? A stretch sonometer wire is unison with the tuning fork. तो मैंने लिख दिया. अभी next part, अभी length 4% से बढ़ा है. तो चलो वापस थोड़ा थ्योरेटिकली लिखते हैं. लेट L2 बी द न्यू लेंथ, राइट, एंड N2 बी इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. ये पार्ट आप फटाफट अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. लेंथ 4% से बढ़ा दिया, तो मैं डायरेक्टली लिखू 104 अपॉन 100 ऑफ L1. चलेगा? 104 अपॉन 100 ऑफ L1. सो दिस कैन बी रिटन एज, यस, this can be written as L2 upon L1 is equal to 25, मतलब 4 के टेबल से 26 upon 25. ओके, और ऐसे करने से 6 बिट्स प्रोड्यूस होते हैं. अभी लेंथ बढ़ गया, मतलब L2 is greater than L1. अभी अपन देखा लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है? N is inversely proportional to L. तो क्या हो जाएगा? N1 greater हो जाएगा N2 से, since N is inversely proportional to L. ओके, तो N1 minus N2, once you get कि किसका फ्रीक्वेंसी बड़ा है, यू कैन राइट N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 6. आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. सम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लेंथ, तो इसे सॉल्व करो. जो ग्रेटर है, N1 बड़ा है, उसको ऊपर रखो. तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, व्हिच इज इक्वल टू 26 अपॉन 25. यू कैन इजीली सॉल्व दिस बाय यूजिंग डिविडेंडो. तो N1 माइनस N2 ऊपर माइनस के नीचे वैसे रखा, तो 26 माइनस 25 अपॉन 25, ये वाला पार्ट 6 है, अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, तो N2 की वैल्यू आएगी 150 हर्ट्ज. बराबर है? तो मुझे बताओ N1 क्या है? ये इक्वेशन लगाएंगे तो N1 इज N2 प्लस 6, तो 150 प्लस 6 आंसर इज 156 हर्ट्ज. और जो N1 है वही कैपिटल N है, तो कैपिटल N की वैल्यू
156 देखो यही ऐसे ही सॉल्विंग करना है तो सॉल्विंग आप एक बार इस पॉइंट पे पहुंच गए ना तो कैलकुलेशन सेम है सारे सम्स में मेन है कि आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंचोगे ओके नेक्स्ट सम देखो नेक्स्ट सम में उतना इजी है टू ट्यूनिंग फॉर्क है साउंडिंग टुगेदर प्रोड्यूस 3 बीट्स पर सेकंड द ट्यूनिंग फॉर्क इन यूनिसन विद द सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 101 सेंटीमीटर मतलब दो ट्यूनिंग फॉर्क है एक 100 सेंटीमीटर के साथ यूनिसन में एक 101 के साथ है तो चलो इनिशियल लेंथ कितना लेते हैं 100 सेंटीमीटर लेट N1 बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर विच इज यूनिसन विथ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क ठीक है चलेगा फिर बाद में लेंथ हो गया 101 सेंटीमीटर सेम वे लेट N2 बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर विच इज यूनिसन विद द सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क ओके अभी दोनों कितना बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 आई वांट टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क और लिखा हुआ अंडर सेम टेंशन टेंशन कांस्टेंट रहेगा तो सिर्फ लॉ ऑफ लेंथ यूज होगा अभी बच्चा बताओ मुझे L2 बड़ा है L1 से देयरफॉर मैं बोल सकता हूं N1 बड़ा है N2 से क्योंकि कौन से लॉ पे सम बेस्ड है लॉ ऑफ लेंथ एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L तो बताओ N1 माइनस N2 की वैल्यू कितनी आएगी इट इज इक्वल टू 3 मैं पहले बोला आप ये स्टेप पे अगर आ गए फिर सम सॉल्व करने को लेना है ओके नाउ आई कैन राइट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l तो n1 जो बड़ा उसको ऊपर रखो अपॉन n2 इज इक्वल टू l2 अपॉन l1 इज इक्वल टू 101 अपॉन 100 तो n1 माइनस n2 डिविडेंड टू सॉल्व करें देखो सॉल्विंग पार्ट सेम है 101 माइनस 100 इज 1 अपॉन 100 इसकी वैल्यू अपने को 3 मिली है तो 3 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी 300 हर्ट्ज अगर N2 की वैल्यू 300 हर्ट्ज है इक्वेशन 2 नल देना तो फ्रॉम 2 क्या मैं लिख सकता हूँ कि N1 माइनस N2 ये 3 है तो N1 माइनस 300 इज इक्वल टू 3 तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी 303 हर्ट्ज और यही फाइंड करना था N1 एंड N2 इजी देखो काफ़ी सिंपल सम्स है आराम से आप सॉल्व कर सकते नेक्स्ट Two tuning fork, one sounded together, produce 5 bits per second. A sonometer wire of length 0.25 meter is unison with the first tuning fork. And when the length of the wire is increased by 1 centimeter, it is unison with the another tuning fork. So, chalo. Pahle length 0.24 meter hai. Main likh do 24 centimeter. Let N1 be the corresponding frequency of wire which is unison with first tuning fork तो first tuning fork का frequency भी कितना हो जाएगा N1 ये statement अपने लिख दिया ओके अभी उसने क्या बोला है कि wire की length 1 centimeter से बढ़ाई तो wire की length अगर 1 centimeter से बढ़ाई तो कितना हो जाएगा 24 plus 1 25 centimeter बढ़ा ही नहीं already 24 centimeter अभी 1 centimeter से बढ़ा दी तो 25 centimeter अभी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसन में तो N2 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है N2 बी दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर विच इज यूनिसन विद सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क तो सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी N2 फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी N1 फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क 24 सेंटीमीटर के साथ यूनिसन में सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क 25 सेंटीमीटर के साथ फिर से ये सब लॉ ऑफ लेंथ का ही है ठीक है तो N इज इनवर्स आई कैन राइट कि L2 इज ग्रेटर देन L1 है ना Therefore N1 is greater than N2. Therefore N1 minus N2 कितना बिट प्रोड्यूस करता है 5 लिखा हुआ है ओके आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 नाउ N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L लॉ ऑफ लेंथ तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 24 सॉल्व बाय यूजिंग डिविडेंड N1 माइनस N2 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 तो 5 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 यू विल गेट वैल्यू ऑफ N2 ये N2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो N1 मिलेगा सेम टाइप के सम से देखो मतलब वायर है लेंथ चेंज हो रहा है बीट्स दो तीन बार आप अगर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी आसानी से आ जाएगा दिस सम इज मैटर ऑफ कंसर्न थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सम में आता है ओके एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन तो देख लो कैसे करना है बहुत अच्छा समय है अ वायर इज यूनिसन विद द फॉर्क अच्छे समझ लो वायर
फॉर के साथ यूनिसन में, फॉर की फ्रीक्वेंसी दी है 250 हर्ट्ज। अभी फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर 250 हर्ट्ज है तो वायर की फ्रीक्वेंसी भी 250 हर्ट्ज हो गई क्योंकि दोनों यूनिसन में। व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट हैंगिंग वर्टिकली और इमर्सिंग द वेट इन वाटर द वायर प्रोड्यूसेस 10 बीट्स पर सेकंड। अभी पानी में उस वेट को डाल, मतलब अभी क्या हो रहा है, पहले वेट हवा में लटक रहा था, अभी उसको पानी में डाल दिया। अभी पानी में डालने के बाद उसको अपथ्रस्ट फील होगा तो वो हल्का हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहला ऐसे वायर, ओके सोनोमीटर वायर और ये वेट है, तो ये ट्यूनिंग फोर्क के साथ यूनिसन में, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अभी इसको मैंने पानी में डाल दिया, जैसे मैंने पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, टेंशन चेंज हो जाएगा। तो लेट अस से यहां पे टेंशन T2 है और यहां पे टेंशन T1 है, तो ये लॉ ऑफ टेंशन वाला सम है, समझ गए। यहां पे टेंशन T1 है, यहां पे टेंशन T2 है, ठीक है। अभी मैंने इसको पानी में डाल दिया, नाउ पानी में डालने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई क्योंकि टेंशन चेंज हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंशन कम होएगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अभी इसी ट्यूनिंग फोर्क के साथ उसने 10 बिट्स बनाना शुरू कर दिया, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि इस मटेरियल की, ये जो वेट हैंग हो रहा है ना, उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, इस मटेरियल की डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन टेक्सटबुक का सम है, अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो यू विल फाइंड आउट कैसे करना है, पर ये बहुत इजी सम है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप देखो कॉन्सेप्ट पे सम बेस्ड है तो इजीली सॉल्व होता है, तो ये सम बेस्ड है लॉ ऑफ टेंशन पे। चलो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट T1 बी द टेंशन इन स्ट्रिंग, When weight is in air, agree? And N1 be its corresponding frequency. Let capital N be frequency of fork, और capital N और दोनों unison में है जब हवा में थे, और इसकी value 250 hertz है। I think ये समझ में कोई problem नहीं। तो ये पहला वाला part मैंने explain किया कि वो air में था तभी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसन में, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है। अभी पानी में डाल दे, तो लेट T2 बी द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन वेट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, इनफैक्ट वाटर, ओके बराबर है। अभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेट N2 बी इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, डन। अब मुझे बताओ टेंशन कहां पे ज्यादा है, पानी में ज्यादा है कि एयर में ज्यादा है, तो गारंटेडली आंसर है कि टेंशन एयर में ज्यादा है। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, लॉ ऑफ लेंथ का सम है, लॉ ऑफ लेंथ का सम है, तो इसको आई कैन राइट इट दिस वे कि N1 इज ग्रेटर देन N2, चलेगा, क्योंकि सम क्या बोल रहा है, N इज डायरेक्टली रूट ऑफ T, ठीक है। Therefore, N1 minus N2 कितना बिट प्रोड्यूस कर रहे, 10, ये 250 minus N2 is equal to 10, तो N2 is equal to 240 hertz, तो मैंने N2 भी नोट डाउन कर लिया। तो इस वायर की फ्रीक्वेंसी 250 है जब वेट एयर में था, और इस वायर की फ्रीक्वेंसी 240 hertz है जब पानी में वेट है। सम लॉ ऑफ टेंशन पे तो ये लिख दिया, सो वॉट इज N1 अपॉन N2, इट इज रूट ऑफ T1 अपॉन T2। अभी इंपॉर्टेंट सॉल्विंग पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा समझ लो कि कैसे कर रहे हैं। टेंशन, टेंशन क्या है एयर में, mg, याद रखना mg, ये अलग से निकाल के दे रहा हूं मैं, mg मतलब क्या है, वेट, मास, मास, मास के बदले अपन डाल सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वी रो जी, रो किसकी डेंसिटी है, इस मटेरियल की, ठीक है। तो इसको टेंशन को मैं वी रो जी लिख सकता हूं, हवे में टेंशन था, टेंशन मतलब वेट, वेट मतलब एमजी, एमजी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी रो जी, चाहिए तो बाय ऐड कर दो आप, ठीक है। पानी में डालने के बाद, पानी में अभी सोचो इसको मैंने पानी में डाला तो वेट ऐसे एक्ट होएगा और पानी से उसको अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ मिलेगा, तो नेट क्या हो जाएगा, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। लेट अस से सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है। कोई भी चीज आप अगर पानी में डालते हो, सोचो आपने एक पानी में एक चीज डाल दिया, तो उसने अपना वेट नीचे की तरफ लगाया और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगा, तो वेट का फॉर्मूला तो अपने देख लिया वी रो जी, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, वी सिग्मा जी।
ये वाली हो गई 250 और ये वाली हो गई 240, ये 0-0 कैंसिल हो गया, बराबर है। अब मुझे बताओ कि रूट यहां पे आएगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, बराबर है। तो रूट अगर यहां पे आके स्क्वायरिंग हो जाएगा तो 25 का स्क्वायर कितना है, 625, और इसका अपना 24 का स्क्वायर है 576 इज इक्वल टू, यहां पे वीजी वीजी सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वाटर है, जो 1 ग्राम पर सीसी दिया है। तो 625 अपॉन 576, रो अपने को फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड ब्लॉक, और ये 1 है। अब मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा कि नहीं, गारंटेडली आएगा, यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर। ओके, आंसर इसका 12.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टेक्सटबुक में दिया हुआ है, ये आंसर आना चाहिए। सिंपल सम है, देखो इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, एक्सप्लेन किया हुआ है, लॉ ऑफ टेंशन पे सम है, वेट इन एयर एंड जब वेट को पानी में डालते हैं तो नीचे से अब थ्रस्ट आता है, तो वी रो जी माइनस वी रो अपॉन वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। याद रखो ऐसे थोड़े बहुत सब आपको इलास्ट्री चैप्टर में भी मिल जाएंगे। ओके, सो दिस पार्ट इज डन, नेक्स्ट दिस इज लास्ट सम, इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट। अब ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना क्योंकि इसका डेटा अलग है। क्वेश्चन समझ लो क्या है, सोनोमीटर वायर इज यूनिसन विद द ट्यूनिंग फोर्क। ओके, तो वायर ट्यूनिंग फोर्क के साथ यूनिसन में, When it is stretched by specific gravity 9, ये नया चीज दिया हुआ है, specific gravity 9 है, on completely immersing weight in water, the wire produces 4 beats per second with the fork. Calculate the frequency of the fork. अभी आप समझ रहे, same type का समय, पहले air में था weight, फिर पानी में डाल दिया, वही type का, तो पूरा statement वही आएगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, let T1 be the tension, when weight is suspended in air, let N1 be the corresponding frequency of wire tension when weight is in air. ये लिख दिया मैंने, और ये frequency of wire capital N frequency of fork ले लेते हैं जो मुझे find करना है। अब इस बार मुझे frequency of fork find करना है, ठीक है, और दोनों unison में, I call this equation number 1। फिर मैंने उसको क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, टेंशन कम हो जाएगा गारंटेडली। T2 इज टेंशन व्हेन वेट इज इन वाटर, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, N2 हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। तो स्टेटमेंट आप पहले वाले सम की तरह थोड़ा कॉपी करके लिख दीजिए, मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है। अभी मुझे एक चीज समझ में आता है कि उसने एक चीज दिया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी ये है क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लर्न कर दो, इट इज वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। सब बच्चे लर्न करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो 9 इस स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन, उसने दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी 9 है, वेट इन एयर क्या है T1 एंड लॉस क्या होता है T1 माइनस T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9T1 माइनस 9T2 इज इक्वल टू T1, तो 8T1 ये यहां पे आ गया, 8T1 माइनस इज इक्वल टू 9T2, देयरफॉर मुझे बताओ क्या आएगा, T1 अपॉन T2 इट इज 9 अपॉन 8, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 9/8, done। Frequency का formula n is directly to, sorry, इससे clear बन सकता है T1 is greater than T2, therefore N1 is greater than N2, तो N1 minus N2 कितना bits produce करते हैं 4। आपको एक बार ये मिल गया, then you can start solving sum, n is directly to root of T, N1 upon N2 is equal to root of T1 upon T2 is equal to root of 9/8, तो N1 upon N2 is equal to 3/2 root 2, root 2 की वैल्यू सब्सट्रेट करो, डिविडेंड उसे सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। इसके आगे का सॉल्विंग पार्ट सेम है जैसे अपने सम्स में किए थे, और अपने को क्या फाइंड करना है, N1, ये वाला चीज फाइंड करना है। तो ये एक्स्ट्रा चीज याद रखो यहां तक आने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इज इट सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट सम्स थे थोड़े हट के,
आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की, यू शुड डू इट वेरी रिगरसली, इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम आएंगे तो फुल स्कोर इसका आना चाहिए. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.